वेल G20 समिट में यहाँ हम लगातार इंडिया की प्रेजेंस और ग्लोबल स्तर पर क्या है जो इंडिया रिप्रेजेंट कर रही है इन डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स, और आज हम बात करते हैं पावर एनर्जी स्पेस। ऑब्वियसली ये एक मुद्दा है पूरे विश्व के लिए, और मेरे साथ इस वक्त टाटा पावर के MD एंड CEO, वन ऑफ द लीडिंग पावर कंपनीज ऑफ इंडिया, मिस्टर प्रवीर सिन्हा हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। यहाँ समिट में जिस तरह से ये एनर्जी पर बातचीत हो रही है, जो ट्रांजिशन की बात कर रहे हैं पूरे विश्व में, भारत की भूमिका बहुत अहम है और टाटा पावर एज अ कंपनी आई थिंक इज़ लीडिंग। तो मैं जानना चाहूँगी दो तीन बड़े मुद्दे जो भारत के सामने हैं या विश्व के सामने चुनौती के तौर पर, उसको भारत कैसे लीड कर रहा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट है G20 एंड G20, बिकॉज पूरे देश में एक चीज़ जो सब ने देखा है कि हाउ सस्टेनेबिलिटी, क्लाइमेट चेंज एंड एनर्जी, कैसे ये लिंकेज हो गया है। सो इट इज़ लाइक सेइंग दैट सस्टेनेबिलिटी इज़ इक्वल टू क्लाइमेट चेंज इक्वल टू क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस। एंड जिस तरह से हम सबको मिलना है, कोलैबोरेट करना है, और हाउ इंडिया कैन टेक द इनिशिएटिव एंड लीडरशिप इन डेमोंस्ट्रेटिंग कि हम कैसे क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं एंड किस तरह का हमारा ट्रांजिशन रोड मैप है। सो आई थिंक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉर इंडिया टू डेमोंस्ट्रेट द लीडरशिप बोथ इन टर्म्स ऑफ थॉट एंड इन टर्म्स ऑफ एक्शन। एंड हमने देखा कि आज कल भी और आज भी G20 के इवेंट्स में काफ़ी डिस्कशन हो रहा है, विच इज़ द थीम इज़ सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी, एंड कैसे डिफरेंट सेक्टर्स में हमको इसको इन्वॉल्व करना है, कैसे हम इसमें इसके अराउंड कैसे हम डेवलपमेंट गोल्स करें जिससे कि जो सिटीजन्स हैं, कंट्री हैं, उनको बेनिफिट हो। एंड टाटा पावर हैज़ ऑलवेज लेड फ्रॉम द फ्रंट। वी स्ट्रांगली बिलीव दैट सस्टेनेबिलिटी एंड क्लीन एनर्जी आर इंटरलिंक, and if we have to make a difference in the world then they can play a very very important role. So we are very excited, I am very excited. India's leadership is phenomenal in this area and we can really be the game changers for the world. Tata Power ke liye ye ek important ek showcasing of its own strength hai. Main ye janna chahungi aap jis tarah se apne company ko mein bhi turn around kiya hai, bahut sara kaam hua hai, aage ab aap ग्रीन एनर्जी की तरफ फोकस करें, तो क्या हम आउटलुक रखें कंपनी के फ्यूचर को लेकर, किस तरीके की रिजल्ट्स हम एक्सपेक्ट करें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि टाटा पावर भी ये इनिशिएटिव जो है कंट्री का क्लीन एनर्जी का, उस पर हम काम करें, और जिस तरह से हमने इनिशिएटिव लिया है क्लीन एनर्जी पे और जिस तरह से हम रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, आगे भी आप देखिएगा कि हमारा रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ, इसके साथ साथ हम हमारा एफर्ट्स है कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, मोबिलिटी के लिए जो EV का हमारे इनिशिएटिव्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग में इनिशिएटिव्स हैं फॉर प्रोडक्शन ऑफ सोलर सेल्स एंड मॉड्यूल, तो ये सब कुछ हम लोग इसी हिसाब से काम करें ताकि जो देश में जो डेवलपमेंट हो रहा है उसमें हम कंट्रीब्यूट कर पाएँ और बड़ी तरीके से कंट्रीब्यूट। कितनी इन्वेस्टमेंट्स आप लाइन अप कर रहे हैं सर इसमें, आपके जो एनर्जी की बात करी आपने। सो जैसे इस साल हमने 12,000 करोड़ का हमने इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, जिसमें नियरली 70% है क्लीन एनर्जी के एरिया में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी चल के इसी तरह से हम इन्वेस्टमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ऑलवेज अ प्लेजर, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू।